चिड़ियाघर की सैर। पशु हमारी मित्र हैं, ये हमारी अनेक जरूरतों को पूरा करते हैं। दादाजी बता रहे थे कि जिन्हें पाश से बांधा जाता है वे पालतू पशु कहलाते हैं, जैसे गाय, घोड़ा, भैंस, गधा, बकरी आदि, जो बीहड़ जंगल में रहकर मार्ग पगडंडी बना लेते हैं उन्हें मृग कहा जाता है। मैंने कहा, दादाजी मृग तो हिरणों को कहते हैं। दादाजी ने कहा, पहले सभी जंगली पशुओं को मृग कहते थे। मृग का राजा होने के कारण आज भी शेर को मृगेंद्र कहा जाता है और शाखाओं पर रहने के कारण बंदर को शाखा मृग कहा जाता है। दादाजी ऐसी बातें बता रहे थे कि अचानक दादी जी बोल पड़ी, आप इसे चिड़ियाघर क्यों नहीं घुमा लाते? वहां इसे तरह तरह के पशु पक्षी देखने को मिलेंगे। दादी जी की सलाह सुनकर मुझे भी अच्छा लगा और दादाजी को भी। रविवार को हमारा कार्यक्रम चिड़ियाघर जाने का बना। मुख्य द्वार से दादाजी ने टिकटें खरीदी और हमें लेकर अंदर चले गए। वहां हमें सबसे पहले अनेक प्रकार के पक्षी दिखाई दिए, जिनमें विविध रंगों की चिड़ियां भी थीं। वहां से जब हम आगे बढ़े तो एक भालू दिखाई दिया। वहीं पर मुझे मेरे सहपाठी सेजल, मानसी, गौतम दिखाई दिए। चिड़ियाघर में उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। दादाजी ने बताया, भालू, हाथी, हिरण आदि जंगली पशु कहलाते हैं। कुछ लोग इन्हें पालते भी हैं, लेकिन ऐसा करना गैर कानूनी है। अभी हम यह सुन ही रहे थे कि अचानक शेर की दहाड़ ने हमें चौंका दिया। सेजल तो डर ही गई थी। दादाजी ने कहा, बेटी यह तो पिंजरे में बंद है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। हम शेर के पिंजरे की ओर जाने लगे तो हमें कुछ दूर दूसरे बड़े बड़े पिंजरों में चीता, भेड़िया और बाघ दिखाई दिए। बड़ी बड़ी जाली के बाड़े में कैद एक बड़े से खुले मैदान में हमें जिराफ दिखाई दिए। हम तो इन्हें देखकर हैरान ही रह गए। मैंने पूछा, दादाजी ये सभी पशु भारत में ही पाए जाते हैं? दादाजी ने बताया, इस चिड़ियाघर में विदेशों से दुर्लभ नस्ल के जीव जंतु भी मंगा कर रखे गए हैं। ऐसा कहते कहते वे हमें एक तालाब की ओर ले गए, जिसमें खूबसूरत बतकें तैर रही थीं। तालाब के किनारे पर बगुले, टिटहरी और हंस बैठे थे। अब हमें भूख लग चुकी थी। हम सब ने हरी हरी घास पर बैठकर खाना खाया। गौतम ने एक सुरीला गीत भी सुनाया। पशु पक्षी और जल जंतु देखने के बाद दादाजी हमें एक कृत्रिम झील की ओर ले गए, जहां कुछ नौकाएं खड़ी थीं। हम भी एक नौका में बैठे और नौका विहार करने लगे। हमारा वहां से आने का मन ही नहीं कर रहा था, पर दादाजी के कहने पर नाव से उतरे और हाथी के बाड़े की ओर जाने लगे। रास्ते में तरह तरह के और पशु पक्षी दिखाई दिए। हाथियों को देखना मुझे जीवन भर याद रहेगा, क्योंकि हाथियों से डरी हुई मानसी का कांपना मैं भूल नहीं पाता। हाथी देखने के बाद दादाजी ने कहा, ये पशु पक्षी हमारे बहुत काम आते हैं। घोड़ा, गधा, खच्चर और ऊंट सवारी करने तथा बोझा ढोने के काम आते हैं, तो गाय, भैंस, बकरी आदि दूध घी से हमारा पोषण करती हैं। भेड़ हमें ऊन देती है, तो दूसरे अनेक पशुओं के चमड़े से हमारे जूते, थैले और अन्य सामान बनाए जाते हैं। सीजल, मानसी और गौतम ने कहा, दादाजी धन्यवाद, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। चिड़ियाघर में आए हमें 5 घंटे हो गए थे। दादाजी के साथ हम घर तो लौट आए, पर मेरा मन अभी भी
चिड़ियाघर के इर्द गिर्द ही घूम रहा था।